हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जे लेटेस्ट इनफो बिफोर स्टार्टिंग आर टॉपिक आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मैं हूं अरूसा सईद तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है सोशोलॉजी में प्लस आई हैव क्वालिफाइड नेट एंड सेट एज वेल आई हैव क्वालिफाइड नेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई बी एंड कंडक्टेड बाई एन टी सो आई हैव क्वालीफाइड नेट टू वाइस प्लस सेट भी मेरा क्वालिफाइड है एंड करंटली आई हैव बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस सिंस लास्ट फाइव ईयर्स तो मेरा सोशलॉजिकल बैकग्राउंड है तो स्पेशलाइजेशन के कोर्स में जो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं वो आपके आराम से कवर हो जाएंगे और सोशल वर्क और जो इसमें स्कीम्स वगैरह है वो भी मेरा इलेक्टिव रह चुका है ठीक है और ग्रेजुएशन के दौरान जो है वहाँ पर मेरा इलेक्टिव था वो एक और उसके बाद जब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मेरा जो है इलेक्टिव रहा है होम साइंस भी ठीक है तो जो स्पेशलाइजेशन का कोर्स है वो मैं आपको कंडक्ट करवा रही हूँ तो अब जो सोशोलॉजिकल पोर्शन जो है इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट यूनिट वो मैं आज स्टार्ट करवाने जा रही हूँ तो उसमें जो पहला टॉपिक है सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन उसमें हम आज सोसाइटी को डिस्कस करेंगे फाइन तो वर्ड जो सोसाइटी है आम तौर पर आप बोलेंगे कि सोसाइटी हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में अगर हम लोग इसका ट्रांसलेशन uh, करेंगे तो हम बोलेंगे समाज ओके okay, जी तो so सोसाइटी लेकिन हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है पॉइंट ऑफ व्यू से तो so सोसाइटी में आप लोग क्या देखेंगे सोसाइटी जो है सोसाइटी जो है हम बोल सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी इसमें जो है लोग जो है वो क्या रहते हैं वो लोग साथ, -साथ रहते हैं लोग जो है बहुत सारे लोग आप लोग देखेंगे सोसाइटी में यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये जो अंदर वाले सर्कल्स बनाए हैं एक बड़े सर्कल में ये जो बड़ा सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा फॉर एग्जांपल सोसाइटी को ठीक है सोसाइटी में क्या होता है क्या कम्प्रो कंप्रोमाइज सॉरी क्या आ, जो है कंप्रोमाइज करता है सोसाइटी तो उसमें जो होते हैं मेंबर्स होते हैं तो इसीलिए छोटे छोटे सर्कल्स मानो आप ये फैमिलीज़ है ठीक है तो ये एक फैमिली ये दूसरी फैमिली ये तीसरी फैमिली इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये लोग क्या होते हैं ये क्या बनाते हैं ये लोग ग्रुप में रहते हैं ठीक है तो ग्रुप ऑफ़ पीपल ठीक है ये जो सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं कॉमन कल्चर शेयर करते हैं यानि कल्चर क्या होता है कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ यानि इन लोगों का जो जीने का तरीका है ठीक है इनके मॉरल लॉज कस्टम्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं टेरिट्री ठीक है टेरिटोरियल बेसज यानी अगर हम लोग देखेंगे इनका जो टेरिटोरियल एरिया है ये लोग एक ही टेरीट्री परम आमतौर पर रहते हैं ठीक है थीके? तो लेकिन आजकल अगर हम लोग देखेंगे वर्चुअली भी अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटीज़ होती है डिफरेंट कंट्रीज में जो है लोग रह रहे होते हैं और वो लोग जो है इंटरनेशनल सोसाइटीज़ होती है वो तो बात हो गई किसकी वो हो गई बात की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब जो है इंटरनेट की वजह से जो है लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज में रहकर जो एक इंटरनेशनल सोसाइटीज़ बनाते हैं रिलीजियस कम्यूनिटीज़ बनाते हैं ठीक है तो लेकिन जब हम लोग बात करते हैं जो बेसिक हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर जो सोसाइटी के लोग जो आमतौर तो पर एक ही टेरिटोरियल ए, एरिया को शेयर करते हैं एक ही जगह पर वो लोग रहते हैं और वो लोग फील करते हैं वो लोग क्या करते हैं वो आप, आपस में जो ये लोग हैं ये लोग फील करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक यूनिफाइड एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी यानी एक अलग से एक यूनिक एंटिटी होती है ठीक है एक ग्रुप जैसा है ठीक है और यूनिफाइड यानी आपस में जो है मिलजुल कर ये लोग रहते हैं ठीक है तो ये तो बात हम लोग बोलेंगे ये जनरली जो है कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिक अगर हम लोग डिफाइन करेंगे सोसाइटी को वो ये है तो लेकिन वर्ड जो है ये सोसाइटी ठीक है जो समाज हम लोग बोल रहे हैं ये निकला कहाँ से है यानी इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है जी तो ये जो वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड से डेराइव uh, हुआ है तो लेटिन वर्ड है यानी लेटिन में जो है वर्ड है एक जिस जिसको हम कहते हैं सोशियस ठीक है socius, तो सोशियस का मतलब क्या है सोशियस जो है वो वर्ड उसका मतलब है लेटिन में अगर हम लोग देखेंगे वर्ड सोशियस इसका इंग्लिश में अगर हम लोग मीनिंग देखेंगे दैट इज कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप यानी कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप यानी अगर हम लोग देखेंगे कंपेनियन ठीक है तो लोग मैंने आपको बोला ग्रुप है तो ये जो आपस में होते हैं ये लोग ये आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के कंपेनियंस होते हैं ठीक है फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के ठीक है आपस में ये इंट्रैक्ट करते हैं तो उसी तरह जो सोसाइटी बनती है आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं जब साथ रहेंगे रोग तो आप फॉर एग्जाम्पल अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आप अपने नेबर से मिलेंगे आप हैं ये फॉर एग्जाम्पल एंड यू मीट समबड़ी स्ट्रेंजर इन यूर आप नए आए हैं किसी सोसाइटी में रहने के लिए आप इनसे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे आप इनसे इंट्रैक्ट करेंगे हाँ जी हम कल परसों यहाँ रहने आ गए वो ये सब कुछ तो इसमें क्या हो गया आपके बीच में क्या हो गया इंट्रैक्शन हो गई ठीक है तो इंट्रैक्शन जो है आपके बीच में हो गया आप लोगों ने जो है आपस में जो है बातचीत की तो उससे आपके बीच में एक रिलेशन सा बन गया ठीक है तो पहले जो है कॉमन जो है रिलेशन हाई हेलो फॉर्मल हाई हेलो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंडशिप भी हो सकती है ठीक है कोई आप किसी को मुबला भाई भी बना सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से जो है रिलेशन बनते हैं सोसाइटी में तो ये वो जो नेटवर्क है उन रिलेशन का जो नेटवर्क है उन रिलेशन का अगर हम लोग देखेंगे जो जाला है उसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी इवन जो है सोशोलॉजिस्ट ने उसको डिफाइन किया है इट्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स वो हम लोग आगे देखेंगे जब मैं आपको डिफिनीशन पढ़ाऊंगी इसकी ओके तो कंपेनियनशिप का क्या मतलब है सोशबिलिटी यानी लोग जो है सोशल होते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं इंट्रैक्ट करते हैं रिलेशन बनाते हैं और वो नेटवर्क जो है उसको हम लोग सोसाइटी कहते हैं ये तो जी हो गया इसका एटमोलॉजिकल मीनिंग तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सोशोलॉजी का कौन सा सोसाइटी ठीक तो आप ये याद रखेंगे ये कहाँ से निकला है लेटिन वर्ड सोशियस से जिसका मतलब कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप है ओके तो ये तो है मतलब आपको एक सवाल आ सकता है कि सोसाइटी वर्ड किस वर्ड से निकला है ठीक है ग्रीक वर्ड है लेटिन वर्ड है क्या वर्ड है और वो कौन सा वर्ड है उसका मीनिंग क्या है ये आपको क्वेश्चन आ सकता है ठीक है जी ओके सो नेक्स्ट इज जॉर्ज सिमल ठीक है ये एक सोशलॉजिस्ट है यानी सोसाइटी सु, को स्टडी करने वाले सोसाइटी पर रिसर्च करने वाले सोशालोजी पढ़ने वाले उनको हम लोग सोशलॉजिस्ट कहते हैं ठीक है तो जॉर्ज सिमल जो है उसने क्या बताया है यही जो सोशबिलिटी है यानी ये जो एक इंसान की जो टेंडेंसी होती है एक इंसान जो दूसरों के साथ सोशल होता है बातचीत करता है ठीक है आपस में जो है रिलेशनस बनते हैं ये जो सोशबिलिटी है यही है ट्रू एसेंस सोसाइटी का यानी सोसाइटी का जो असली अगर हम लोग देखेंगे जायका है मज़ा है वो किस में है इसी सोशबिलिटी में

के लिए अपनी वर्किंग के लिए ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए एक इंसान को किसकी ज़रूरत है सोसाइटी की तो एक एसेंशियल कंडीशन होता है सोसाइटी एक इंडिविजुअल के लिए और ह्यूमन लाइफ और जो सोसाइटी है इंसान की जो लाइफ है और जो क्या है और जो सोसाइटी है ये हमेशा एक साथ चलती है ठीक है जी तो ये जो है एरिस्टोटल ने बोला था मैन अ सोशल ये भी क्वेश्चन आता है ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट इस इंसान को किस लिए सोसाइटी की जरूरत है या मैंने आपको बोला लिविंग के लिए जीने के लिए वर्किंग के लिए काम करने के लिए और जिंदगी को एंजॉय करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए ठीक है इंटरडिपेंडेंस बीमार हो गया इंसान डॉक्टर की जरूरत है नेबर में कोई डॉक्टर है तो उसके पास जाएगा टीचर है आपको पढ़ना है ट्यूशन करवाना है बच्चों के यू हैव टू अप्रोच ना योर नेबर्स ठीक है कोई प्रॉब्लम होती है रिलेटिव आ जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए ठीक है तो सोसाइटी की आपको जरूरत है चाहे वोट कुछ भी हो आपके फ्रेंड्स हो 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 आपके आ, जो है नेबर्स आपको हमेशा किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी सोसाइटी okay. so तो को सॉरी सोसाइटी को, को उसने कैसे डिफाइन किया है तो मैकाइवर एंड पेज जो है दो सोशोलॉजिस्ट है ठीक है तो इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि प्रोसीजर्स ठीक है यानी सोसाइटी में हम लोग जो सोसाइटी को फाइंड करने के लिए जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं ठीक है वह मतलब हम लोग जो है सोसाइटी में जो है यूजेज़ कौन से करते हैं ठीक है सोसाइटी के लॉज कस्टम्स वगैरह ये सब कुछ जो इसमें आ जाते हैं ठीक है प्रोसीजर्स ठीक है कौन से रूल्स वगैरह जो है सोसाइटी फॉलो करती है वो जो है हम लोग बोल सकते हैं वो सिस्टम जो होता है ठीक है अथॉरिटी होती है यानी कौन जो है किसका पावर होता है कौन सोसाइटी में जो होता है किसी की ज़्यादा अथॉरिटी होती है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोहल्ले का बड़ा होता है उसकी ज़्यादा अथॉरिटी होती है कोई पैसों से अमीर होता है उसकी ज़्यादा

अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड और साथ ही साथ इसने बोला डिविजन्स ऑफ कंट्रोल तो अब ये जो है ये ज़्यादा याद आपको अगर नहीं भी रहेगा तो आप बता सकते हैं कि मेकैर और पेज जो है उन्होंने आप जो मेन पॉइंट इसमें याद रखेंगे ठीक है यूजेज प्रोसीजर्स मतलब सोसाइटी की जो सारा चीज़ें जो आती है सोसाइटी में हम लोग जो है <coughs> कि क्या क्या यूज़ होता है सोसाइटी में ठीक है क्या टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं क्या रूल्स होते हैं अथॉरिटी में एक दूसरे की हेल्प वगैरह मतलब एक कंट्रोल uh, कैसे होता है सोसाइटी में ठीक है ह्यूमन बिहेवियर जो है इंसान का कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इसने बोला ठीक है डिविजन ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवर इंसान का बिहेवियर कैसे कंट्रोल हो एक दूसरे की मदद ये सब कुछ आप याद रखेंगे तो मैकाइवर और पेज ने यह डेफिनेशन दी है ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट इज मॉरस गिंसबर्ग ठीक है मॉरस गिंसबर्ग ने जो है उसने क्या बताया है इसके बारे में ठीक है तो मॉरस गिंसबर्ग जो है वो भी एक सोशलॉजिस्ट

आपस में इन लोगों के रिलेशन कैसे है ये लोग आपस में कैसे बंधे होते हैं रिलेशन से ठीक है या किसी बिहेवियर से ठीक है मोड ऑफ बिहेवियर है रिलेशन से जिससे वो उसको हम लोग बोलते हैं जिससे क्या होता है वो मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जो उनको डिफरेंट करते हैं उन लोगों से जो आपस में रिलेशन में नहीं होते या सोसाइटी में रहने के लिए लोग तो होंगे कलेक्शन तो हैं लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट ये है कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे होने चाहिए ठीक है किसी रिलेशन से मतलब किसी बिहेवियर से कल्चर से होना चाहिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है सोसाइटी में जो है इंट्रैक्शन आपस में जो है लोग बातचीत करने चाहिए रिलेशन होने चाहिए तब जाकर सोसाइटी होती है किसने बताया है मॉरिस Ginsburg, है? हमने देखा उन्होंने क्या सिस्टम है, है, है? Well तो मतलब, सोसाइटी में क्या प्रोसीजर्स है ठीक है क्या रूल्स है क्या मतलब बिहेवियर्स जो है कैसे कंट्रोल होते हैं एड वगैरह म्यूचुअल एड एक दूसरे की ठीक है Help, एक की ये सब कुछ जो है अथॉरिटी ये सब कुछ किसने बोला था मैकाइवर एंड पेज लेकिन मॉर इसने बोला है सिंपली कलेक्शन ऑफ पीपल है एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं ठीक है चाहे वो मतलब रिलेशन uh, हो कुछ उन लोगों के बीच में या तो फिर बिहेवियर मतलब तरीका जो है बिहेव करने का यानी कल्चर उन लोगों का सेम हो ठीक है नेक्स्ट इज मैकावर जो एंड पेज है उसमें जो है ये इसने इसने अलग से भी एक दी बोला इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप जो मैंने आपको पहले ही समझा है कि सोसाइटी है इसमें बहुत सारे मेबर्स है आपस में क्या हो जाता है आपस में ये लोग इंटरेक्ट करते जब इंटरेक्ट करते एक वेब जैसा जाला जैसा बन जाता है रिलेशन का इन लोगों के बीच में उस जो वेब है उस जाले को जो है हम लोग कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट उसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी मेकावर ने बोला है ठीक है जी ओके okay. तो इन्होंने मेकाइवर ने अलग से वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स बोला है और मैकावर और पेज ने क्या बताया था सिस्टम सिस्टम ये आप याद रखेंगे सिस्टम से आपको वो याद रहेगा सिस्टम ऑफ यूजेजेस यूजेजेस ठीक है ओके तो गिन्सबर्ग ने कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सिंपल से डेफिनेशन दी थी ओके नेक्स्ट इज जी डी कॉलेज ठीक है जी डी ने क्या बताया है उन्होंने भी बोला है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन ठीक है एंड एसोसिएशन विद इन अ कम्युनिटी यानी एक कम्युनिटी में एक मतलब लोग जो रहते हैं तो उनके बीच में जो है एसोसिएशन बनती है ठीक है आपस में जो है लोग एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ ग्रुप्स होते हैं ठीक है थीके? किसी के लिए हो एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशन सारे जो है कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी में उसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी ठीक है society, तो जी डी एम कॉलेज सी से कम्युनिटी सी से कॉलेज ठीक है ये इससे आपको ये याद रख सकती है या सी से कॉलेज सी से कॉम्प्लेक्स ठीक है तो कॉलेज जी डी एम कोले ने कॉम्प्लेक्स बोला है तो सी सी ठीक है ऐसे आप ये ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेसर गेडिंग्स भी हैं उन्होंने क्या बताया प्रोफेसर गेडिंग्स ने प्रोफेसर गेडिंग्स ने बोला है

complex cole

कॉम्प्लेक्स पैटर्न है है ठीक उसका जो पैटर्न है किस तरीके से होता है बिहेव किस तरीके से होना चाहिए behave, क्या माना जाता है, में करने का तरीका, उसका जो पैटर्न है एक तरीका है, है उसको जो लोगों के बीच में होता है उनके बीच में अमंगीन दैम उसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी तो अब ये ऐसे याद रख सकते हैं है, तो इसने बोला नहीं कॉम्प्लेक्स पैटर्न है और नॉर्म्स ऑफ डिफरेंट है तो उससे ओके नेक्स्ट इज पार्सन पार्सन क्या बताया है इट मे बी डिफाइंड एज अ टोटल कॉम्प्लेक्स ठीक है इसके साथ मिलती जुलती जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ना लेपायर का लेपायर ठीक है पायर वो आप ऐसे याद रख सकते हैं इनका नाम क्या है इनका नाम है था लेपायर और इनका नाम क्या है इनका नाम है दूसरे का पार्सन्स तो पायर और पार्सन्स ठीक है पायर पार्सन इससे आपको ये याद रख सकते हैं तो इसने भी क्योंकि अब आप क्यों ये दोनों मतलब साथ में याद रख सकते हैं क्योंकि उसने भी कॉम्प्लेक्स बोला था इसने भी कॉम्प्लेक्स बोला था उसने अब कॉम्प्लेक्स बोला था ठीक है कॉम्प्लेक्स पैटर्न बोला था इसने टोटल कॉम्प्लेक्स बोला है इसने भी बोला है रिलेशनशिप्स का ठीक है जैसे वो एक दूसरे के मतलब जो रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं जब एक्शन होती है वो एक्शन किस तरीके की होती है रिलेशनशिप्स हो जाती है ठीक है मीन्स और एंड यानी कुछ पाने के लिए कुछ एंड के लिए कुछ हासिल करने के लिए जो रिलेशनशिप्स बनती है ठीक है इंट्रेंसिक हो या सिंबॉल

टी एच कोले तो इन्होंने क्या बताया है कोले ने बताया इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्म्स और प्रोसेस ठीक है यानी फॉर्म्स का यानी फॉर्म्स का या फिर कौन से प्रोसेस होते हैं ठीक है प्रोसेस कौन सा होता है यानी ईच ऑफ विच इज़ लिविंग एंड ग्रोइंग बाय इंटरेक्शन विद अदर्स प्रोसेस होता रहता है ठीक है मतलब कोई हम बोल सकते हैं कोई कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है ठीक है या फॉर्म होता रहता है जिसमें जो होता है कौन सा प्रोसेस होता है एक दूसरे के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ठीक है रहना एक दूसरे के साथ लिव करना एक दूसरे के साथ ग्रो करना लिविंग एंड ग्रोइंग लिविंग एंड ग्रोइंग विद अदर्स ठीक है और उसके बाद ये इतना यूनिफाइड होता है ये पैटर्न इतना यूनिफाइड होता है ये कॉम्प्लेक्स इतना यूनिफाइड है इन प्रोसेस का कि एक में अगर कुछ हो जाता है एक में एक पार्ट में तो दो सब जो है सब में असर पड़ जाता है ये आपको लेके डेफिनेशन ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये क्या बोलता है ये बोलता है कि बहुत सारे लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग लिव कर रहे हैं इकट्ठे एक, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ठीक है थीके? बड़े भी हो रहे हैं ग्रो भी हो रहे हैं एक दूसरे के साथ तो उसकी उसकी वजह से क्या हो जाता है वो इंटरेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ एक दूसरे का कर, साथ इंटरेक्ट करते करते जी रहे हैं बड़े हो रहे हैं ठीक है थीके? अगर एक में मतलब इतना इतना ज़्यादा ये लोग जो है यूनिफाइड है इतना ज़्यादा ये जो सोसाइटी है ये यूनिफाइड है कि अगर एक को असर होता है ना एक को इफेक्ट होता है ना कुछ एक पर कुछ असर होता है तो पूरी जो सोसाइटी है उस पर क्या असर पड़ जाता है सब को असर पड़ जाता है पूरी सोसाइटी पर असर पड़ता है तो उसने बोला है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है उस प्रोसेस को वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग जो है उसी के प्रोसेस वो जो प्रोसेस है फॉर्म्स है ठीक है ये जो जीने का जो साथ साथ जीने का साथ साथ रहने का इंटरेक्ट करने का एक दूसरे पर अगर एक पर असर पड़ता है इस पर ये जो प्रोसेस है उसकी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है थीके? उसको हम लोग बोलते हैं वाट सोसाइटी ठीक है कॉम्प्लेक्स को वे ओके नेक्स्ट इस डन कैन मिचल डन कैन मिचल ने क्या बताया इसकी जो है इसने बताया कि टर्म जो है सोसाइटी ये सबसे ज़्यादा वैगेस्ट है यानी ये जो है हम लोग जो है यूजली हम लोग जो है सोशोलॉजी में, में सोशल इसको यूज़ करता रहता है जनरल है ये ठीक है इसमें हम लोग कुछ भी हो सकता है परमिटिव नॉन लिटरेट यानी पुराने ज़माने में जहाँ पर लोग जो है अनपढ़ थे वहाँ की सोसाइटी से भी हम लोग बोल सकते हैं वो भी सोसाइटी है और आजकल जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन स्टेट ये भी सोसाइटी है या तो ह्यूमन काइंड हम लोग बोल सकते हैं ठीक है थीके? कुछ कुछ लोग जो है ह्यूमन काइंड उनके रेफरेंसेज या तो मतलब पूरा जो है हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन काइंड मतलब मैन काइंड जो है पूरी इंसानियत या तो मतलब छोटे से ऑर्गेनाइज ग्रूप ऑफ पीपल कुछ लोग भी जब विलेज फ़ॉर एग्जांपल मेरे साथ रहते हैं उसको भी हम लोग सोसाइटी बैठे पाँच छः घर दो चार घर या आ, मतलब तीन लोग भी अगर होंगे ना तो वो भी हम लोग सोसाइटी बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो हाँ तो हो गया ये डन कैन मिचर नेक्स्ट इज़ हॉर्किस हॉर्किस ने क्या बताया है जी हॉर्कन्स ने बताया है सोसाइटी के बारे में तो इन्होंने बताया है कि कोई भी परमानेंट या कॉन्टीन्यूस ग्रुप ठीक है परमानेंट ग्रुप या कॉन्टीन्यूस ग्रुप एम डब्ल्यू सी एम डब्ल्यू सी आप याद रखेंगे मैन वुमेन चिल्ड्रन यानी मर्द औरत बच्चे ठीक है यानी इंडिपेंडेंटली वो लोग रह सकते हैं लेकिन वो लोग किस में रहते हैं वो लोग ग्रुप में रह सकते हैं परमानेंट जो ग्रुप होता है ठीक है वो क्या होता है वो क्या क्या कर सकते हैं वो मतलब जो है इंडिपेंडेंटली वो लोग रह सकते हैं वो ग्रुप और जो है रेशियल मतलब परपिटुशन यानी प्रोडक्शन हो जाता है आगे जाकर रेस चलती रहती है और मेनटेन हो जाता है उनका कल्चर वो जो परमानेंट या कॉन्टीन्यूस ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्किंस ओके ये तो थी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी किसकी सोसाटी टी तो ये डेफिशन जो है आमतौर पर जो है आपको कोई भी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पूछेगा कि डन कैन मिचिल ने क्या बताया है डेफिनेशन या फिर आपको डन कैन मिचिल की जो है प्रिमेटिव नॉन लिटरेट मॉडर्न इंडस्ट्रियल से तो आएगी तो ये किसने लिखी है ठीक है मैकाइवर की आएगी ठीक है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स मैकाइवर एंड पेज की आएगी वो सिस्टम ऑफ यूजेजेस प्रोसीजर्स म्यूचुअल एड्रुप तो ये आपको जो है याद रखने कुछ ट्रिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको बीच बीच में बोली इनको याद रखने के लिए क्योंकि आमतौर पर ये डेफिनेशन इंसान को भूल जाती है ठीक है तो ओके हो गया जी तो हाँ तो ये थी डेफिनेशन इसकी नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ये मैंने आपको इसमें जो है में इसलिए बनाया है इससे आपको याद रहेंगे ठीक है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है ठीक है खसूस क्या है मतलब सोसाइटी में क्या क्या होता क्या है क्या इसकी खूबसियात है ठीक है सबसे पहला अगर हम लोग इट ऑफ पीपल ये मैंने आपको अभी तक मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें लोग रहते हैं उन लोगों के बीच में क्या होता है म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है यानी ये अगर हम लोग देखेंगे फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर दिस सर्कल एज अ सोसाइटी एंड द पीपल इन साइड जो है जो डायग्राम में छोटी छोटी बना रही हूँ ये हम लोग बोलेंगे लोग है ठीक है तो पीपल आए इनमें इनमें जो है इंटरेक्शन

ये क्या होती है सोसाइटी सोसाइटी जो है डिपेंड होती है लाइकनेस में यानी लाइकनेस का क्या मतलब होता है यानी कुछ ना कुछ हिसाब से एक दूसरे के सर तो लोग मिलते हैं ठीक है तो सिमिलैरिटी होती है लोगों में चाहे वो वर्क के हिसाब से हो काम के हिसाब उनके वैल्यूज़ के हिसाब से उनके कल्चर के हिसाब से एटीट्यूड उनका उनकी नीड्स के हिसाब से ठीक है तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये जो है सोसाइटी है ठीक है ओके okay. तो उसकी नेक्स्ट अगर हम लोग बोलेंगे लेकिन जरूरी नहीं सिमिलैरिटीज ही हो इनमें डिफरेंसेस भी होती हैं ठीक है यानी अगर हम देखेंगे कि जो है सारे लोग एक सामान तो होते नहीं एक जैसे तो होते नहीं है ठीक है तो जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस हम लोग देखते हैं मतलब बायोलॉजिकल ऑब्वियसली होती है मतलब एक फैमिली के मेंबर जो होते हैं उनके डिफरेंट बायोलॉजिकल जीन्स होते हैं और दूसरे फैमिली के डिफरेंट होते हैं ठीक है तो एक दूसरे से लुक्स उनके डिफरेंट होते हैं पर्सनैलिटीज़ उन लोगों के जो टैलेंट होते हैं ठीक है उन लोगों का इंटरेस्ट इंटेलिजेंस वगैरह ये सब कुछ जो है काबिलियत वगैरह ये डिफरेंट होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट जो है लोग एक्टिविटीज भी करते हैं ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट होता है ना मतलब लोगों का कुछ टीचर्स होते हैं कुछ डॉक्टर्स कुछ बिजनेसमैन कुछ बैंकर्स कुछ पॉलिटिशियंस कुछ बैरोस ठीक है ये भी होता है क्योंकि उन लोगों की एबिलिटीज डिफरेंट होती है ठीक है तो लाइकनेस भी होती है और डिफरेंस भी होती है लाइकनेस मतलब कि लोगों में जो होता है सिमिलैरिटी भी होती है कुछ मतलब उन लोगों का वे ऑफ बिहेवियर कल्चर जो है सेम हो सकता है ठीक है सोसाइटी तो में या अगर हम लोग बोलेंगे कि उन लोगों के काम भी कभी कभी सेम पुरानी सोसाइटीज में होता था कि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती थी सारे जो एग्रीकल्चर के साथ ही करते थे या वैल्यूज जो है उन लोगों के सेम होते उन लोगों की जरूरत सेम होती थी एटीट्यूड उन लोगों का इसकी तरफ सेम होता था तो ये हम लोग बोल सकते हैं वो है ठीक है तो नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ लेबर यानी डिवीज़न और कॉपरेशन ऑफ लेपरेशन और डिवीजन ऑफ लेबर ये क्या है कॉपरेशन है कि मतलब जो है सोसाइटी जो है लाइकनेस भी है और उसके बाद डिफरेंसेस भी है ठीक है और इन दोनों की वजह से यानी एक जो है सॉरी तो ये लाइकनेस और डिफरेंसेस की वजह से क्या हो जाता है लाइकनेस होती है लोगों में सिमिलैरिटीज भी होती है और डिफरेंसेस भी होती है इनकी वजह से क्या हो जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर होता है यानी जो काम जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं यानी अगर हम लोग देखेंगे कि ये इन्वॉल्व करता है कि असाइनमेंट यानी एक ग्रुप या एक यूनिट को जो है कुछ काम का जो टास्क जो कोई काम होता है उसका कुछ शेयर दिया जाता है यानी फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कॉटन क्लोथ्स ठीक है कॉटन के क्लोथ्स बनाने हैं उसमें जो है बहुत सारे लोगों का योगदान होता है जैसे फार्मर्स है जो उसको कॉटन को ग्रो करते हैं उसके बाद स्पिनर्स है वेवर्स है डायर्स है ठीक है मर्चेंट्स है ठीक है घर में भी अगर आप देखोगे डिफरेंट काम पापा मम्मा आपकी या बच्चे जो है इनका डिफरेंट काम होता है डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है कुछ स्पेशलाइजेशन होती है

सी एच कोहली ने बताया था कि कॉपरेशन तब हो जाती है जब क्या होता है जब जो लोग हैं वो लोग रियलाइज करते हैं कि उनके इंटरेस्ट जो है वो सेम है उन लोगों के जो मतलब जो उनके इंटरेस्ट मतलब है, चाहते हैं उन लोगों की सेम है उन लोगों के काम सेम है उन लोगों के एंड सेम है ठीक है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो लोग काम करते हैं एक गोल को हासिल करने के लिए क्योंकि मैंने आपको बोला मेनली जो सोसाइटीज़ का गोल सेम ही होता ठीक है इस इस वजह से क्या हो जाता है मतलब कॉपरेशन डिवीजन ऑफ लेबर इसकी वजह से क्या होता है सोशल सोलडेरिटी लोगों में पैदा होती है लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं ओके नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस यानी लोग जो है आपस में एक दूसरे के सबसे डिपेंडेंट होते हैं ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब लोग जो है फॉर एक्जाम्पल अगर हम लोग छोटी सी सोसाइटी जो है फैमिली छोटी सी एक सोसाइटी कुछ लोग साथ रहते हैं ना तो इनमें क्या होता है इसमें भी मैन और वुमेन ठीक है मतलब मैन जो है फॉर एग्जाम्पल कमाता है और बीवी जो है वो क्या करती है या तो फिर कमा भी सकती है वो और घर के काम वगैरह भी करती है बच्चों का ख्याल रखती है मतलब दादा दादी वो भी बच्चों को मतलब ये सारा अगर हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट होता है तो ये अगर हम लोग बड़े सोसाइटी की बात करेंगे ना चलो फैमिली को छोड़ो सोसाइटी में भी हमें एक दूसरे की हमेशा जरूरत होती है तो इंटरडिपेंडेंस बहुत ही ज्यादा है ठीक है डायनेमिक है सोसाइटी यानी चेंज होती रहती है हर एक सोसाइटी में क्योंकि हमें पता है चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर चेंज तो हर एक जगह होती है तो सोसाइटी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती हैं पुराने लोग मर जाते हैं नए पैदा हो जाते हैं ठीक है नए एसोसिएशन नए ग्रुप्स हो जाते हैं पुरानी जो जो हैं पुरानी जो ग्रुप्स हैं वो ख़त्म हो जाता है ठीक है चेंजेस होती रहती है चाहे आहिस्ता ग्रेजुअली या तो फिर सडनली अचानक से भी चेंज हो जाती है सोसाइटीज़ में ठीक है तो उसके बाद सोशल कंट्रोल होता है सोसाइटी में या सोसाइटी के पास खुद अपने तरीके हैं सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें फैमिली जो है वो आपको समझ जाएगी फैमिली में जो है आपको कंट्रोल करने का तरीका क्या है आपको समझाना आपको अच्छे तरीके से जो है नसीहत करना ठीक है रिलीजियस मतलब दीनी जो है तरबियत आपको देना ठीक है मतलब हमें हमारे जो मजहब है वो क्या बताता है ठीक है ये सब कुछ होता है लेकिन अगर हम देखेंगे सोसाइटी के पास जो होता है बहुत ही ब्रूटल तरीके भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप चोरी करेंगे तो घर में आपको पापा डांटेंगे वो ये मानेंगे घर में ही मसला हो जाएगा लेकिन अगर सोसाइटी में अगर आप डिवेंट हो जाएंगे बिहेवियर से आप नॉर्मली जो एक्सपेक्ट किया जाता है जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के वो आप नहीं करेंगे उससे अलग करेंगे चोरी कर डाका डालेंगे किसी को मारेंगे किसी का मर्डर करेंगे उसमें क्या होता है सोसाइटी के पास वो वेज भी होते हैं आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने के आपको कंट्रोल करने के वो क्या होता है जैसे पुलिस होता है कोर्ट होता है आर्मी जो होता है फॉर्मल मीन्स भी होते हैं, यानी फॉर्मल मींस और इनफॉर्मल मीन्स इनफॉर्मल मतलब आपके जो होते हैं सिंपली जो होते हैं आपके ट्रेडिशंस कस्टम्स के हिसाब आपको बोला जाता है नहीं जी हमारे रिवाज नहीं है हमें ये नहीं करना चाहिए हमारे मैनर्स है हमारे तरीके हैं ठीक है ये हमारे पुराने ज़माने से आता जा रहा है एटिकेट्स होते हैं कि इंसान के आपको समझाया जाएगा लेकिन फॉर्मल मीनस जो होते हैं फिर लॉज कोर्ट्स आपको जो है फांसी भी तक भी पहुँचा सकते हैं खुदा खास्ता अगर आप लोग कुछ गलत काम करेंगे अपने मेम्बर्स को रेगुलेट करने के सोसाइटी के बहुत सारे तरीके होते हैं यानी सोशल कंट्रोल होता है सोसाइटी में ठीक है कल्चर भी मैंने आपको बोला कि हर एक सोसाइटी डिफरेंट होती है क्योंकि एक डिफरेंट जो होती है बहुत सारी सोसाइटी जो एक दूसरे से डिफरेंट होती है लेकिन एक सोसाइटी का जो कल्चर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है कल्चर क्या होता है इट इज सोशल हेरिटेज ऑफ मैन ने बोला है लिंटन इट इज़ द कल्चर इज द सोशल हेरिटेज यानी सोशली जो इंसान जो है रह रहा है सोसाइटी में ठीक है उसका जो वो पूरी तरीके से हेरिटेज कैसे क्या रह रहा है वे ऑफ लाइफ हेरिटेज जो चलता आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कल्चर ये किसने बोला है ये लिंटन ने बोला है लिंटन जो है रेल्फ लिंटन ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट सॉरी ये जो है हाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो इन्होंने बताया है तो अगर हम लोग देखें पूरी तरीके से हमारे एटीट्यूड्स वैल्यूज हमारे बिलीफस हम लोगों के आइडियाज़ ठीक है कुछ भी जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस जो भी है मतलब फैमिली मैरिज सब कुछ किसमें क्या आ जाता है ये हमारे कल्चर में आ जाता है और हर एक सोसाइटी का कल्चर होता है और एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से कैसे डिफरेंट होती है कल्चर से ही वॉट डिस्टिंगविश वन सोसाइटी फ्रॉम द अदर इज़ इट्स कल्चर ठीक है तो अगर हम लोग देखेंगे एक सीमेंट है जो लोगों को बाइंड करता है सोसाइटी में अपने कंपोनेंट इंडिविजुअल्स को वो जो कल्चर होता है ये एक ट जैसा होता है जैसे सीमेंट नहीं मतलब न, हम लोग ब्रिक्स पे सीमेंट लगाते हैं जब हमें मकान बनाना होता है कुछ दीवार बनानी होती है ब्रिक्स उसको बाइंड कौन करता है उनको कौन आपस में जोड़ता है सीमेंट ठीक है इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कल्चर ही अपने डिफरेंट इंडिविजुअल्स को जो होते हैं सोसाइटी के उनको लोग जो है आपस में बातें करते रहते हैं कल्चर जो है उनका बिहेवियर आपस में जो लोगों का इंटरेक्ट करने का बिहेवियर जो है और लोगों का जो तरीका है बात करने का रहने का सहने का उस पूरे पैटर्न को हम लोग ये बोलते हैं क्या कल्चर वो किसने बोला है गिले एंड गिलेन ने ठीक है सीमेंट किसने बोला है गिले गिलन ने और कल सोशल हेरिटेज ऑफ मैन जो है वो लिंटन ने बोला है ठीक है हम लोग कल्चर में पढ़ेंगे ठीक है ओके नेक्स्ट इज ग्रिगेरियस नेचर ऑफ मैन ये अगर हम लोग देखेंगे कि इंसान का जो नेचर ही है कि वो अलग से नहीं रह सकता सोशल एनिमल जैसे मैंने आपको बोला है मैन इज सोशल एनिमल किसने बताया था क्यों ये बताया था एरिस्टोटल ने क्योंकि मतलब एक इंसान जो है उसकी टेंडेंसी ही है इंसान की मतलब नेचुरली वो लोग ग्रुप्स में वो ग्रुप में ही रहना चाहता है और ग्रुप में ही रह रहा है उसके बगैर वो नहीं रह सकता है तो इसीलिए जो है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बोलते हैं साइकिक यूनिटी साइकोलॉजिकली जर से मतलब दिमाग में जो है इंसान को पता होता है जी मैं उस सोसाइटी में रहू तो साइकोलॉजिकली जो है आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं मतलब हमें पता है हाँ जी ये हमारी ही सोसाइटी का मेबर है फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर जाएंगे किसी कंट्री में गल्फ जाएंगे या फिर मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर वहां पर अगर आप देखोगे ना कोई अपनी सोसाइटी का फॉर एग्जाम्पल आप वहां पर लो बड़ी सोसाइटी अपने की society, example, की society, कश्मीर की सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल अपनी जम्मू की सोसाइटी जम्मू कश्मीर की सोसाइटी ठीक है आप देखेंगे वहां पर अगर आप देखोगे कोई बंदा तो साइकोलॉजिकली आप नहीं जी अपना है ठीक है यूनिफाइड आप लोग आप यूनाइटेड उसके साथ जो है इतफाक रखोगे नहीं जी ये अपना है वहाँ पर आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप अपने किसी मेंबर को देखोगे और अपना सा आपको लगेगा वही होती है साइकिक यूनिटी यानी साइकोलॉजिकली आप लोग यूनाइटेड है और बाउंड्री जो होती है सेम होती है सोसाइटी की ठीक है ओके तो प्लुरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स है बहुत सारे लोग थोड़ा सा इसमें ये कंक्लूड हुआ है पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है इंक्लूसिव कलेक्टिविटी यानी इंक्लूड ये करता है सब कलेक्टिविटी को यानी जो है फैमिलीज भी बहुत सारी जो है इकट्ठे रहती है ठीक है इंक्लूसिव कह जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या सोसाइटी इंक्लूसिव कलेक्टिविटी से बोला है कैरेटरिस्टिक मैकाइवर पेज फॉर एक्साम्पल क्वेश्चन आएगा आपको एस एस बी में जी हाँ मैकाइवर पेज ने कौन कौन से बोले हैं सोसाइटी के कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ठीक है वो जो मैंने आपको पढ़ा है पहले इनमें <coughs> सर्कल्स में ये जो पढ़ा है मैंने क्लाउड्स में ये क्या है ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैं कैन पेज ने बोला कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट और मैकाइवर जो है जी मतलब बहुत ही आप देखोगे हर जगह सोशलॉजी के कॉन्सेप्ट में आपको मैकाइवर आएगा ही आएगा तो उन्होंने क्या बोला है मोर देन अवर एनवायरमेंट ये खाली हमारे इर्द गिर्द का माहौल नहीं इसमें बहुत कुछ है मैंने आपको बोला रिलेशन है इंटरेक्शन है पैटर्नस है प्रोसेस है सोशल फिनमिना क्या होता है चेंज कंट्रोल ये सब कुछ जो है फैमिली इंस्टीट्यूशन पोलिटिकल ये सब कुछ इसमें आता है सोसाइटी में आता है बहुत ही बड़ा अमरेला टर्म है ठीक है उसके बाद जो है

अब इसके कुछ टाइप्स भी हैं ठीक है, है? यानी कुछ काइंड्स से सोसाइटी के तो वो टाइप्स अगर हम लोग देखेंगे क्या क्या है फर्स्ट अगर हम लोग इसमें भी डिफरेंट जो है सोशोलॉजिस्ट हैं जैसे इमाइल डर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने काम किया है सोसाइटी पर इमाइल डर ठीक है फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट है ये तो इन्होंने क्या बताया है सोसाइटी के जो है उसने बताया है दो टाइप्स है ठीक है तो इन्होंने कौन कौन से बताए हैं इन्होंने बताया है टाइप्स ऑफ सोसाइटी इन्होंने दो बताई हैं इमायल डरखीम ने कौन कौन सी इसने टाइप बताई है सोसाइटी की किस में जो इसने सोसाइटी की बताई है वो होगी सेगमेंटेड सेगमेंटेड सोसाइटी सेगमेंटल सोसाइटीज और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स ठीक है सेगमेंटल सोसाइटीज़ और ऑर्गेनिक ये आप याद रखेंगे डरखीम ने क्या बोला है सेगमेंटल एंड ऑर्गेनिक ठीक है डरखीम ने बोला है एस ओ सेगमेंटल ऑर्गेनिक ठीक है तो ये क्या? क्या है सेगमेंटल सोसाइटी क्या होती है वो सोसाइटी जहां पर जो पार्ट्स होते हैं यानी जो सोसाइटी में जो अलग अलग अगर हम लोग देखेंगे पार्ट्स है सोसाइटी के ठीक है ये जो पार्ट्स है ये क्या है ये मतलब एक दूसरे के रेप्लिकास है यानी इसके पार्ट जो है एक दूसरे के सोसाइटी के जो हिस्से हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ठीक है सेगमेंट्स में होते हैं यानी सोसाइटी के जो अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स है सेगमेंट्स है और वो जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ठीक है लेकिन ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ में अगर हम लोग देखेंगे उनमें क्या होता है उनमें पार्ट्स जो होते हैं सोसाइटी के वो सेम नहीं होते यानी एक दूसरे से मिलते जुलते एक दूसरे के रेप्लिकाज एक दूसरे के डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं ठीक है एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होती उनमें डिफ्रेंसिएशन होती है ठीक है डिफरेंट होते हैं ठीक है लेकिन उनके बीच जो होते ऑर्गेनिक टाइप रिलेशनशिप होता है ठीक है यानी उन लोगों के बीच में जो है रिलेशन कुछ ना कुछ होता है ठीक है यानी ये देखिए पार्ट्स है ये फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है सोसाइटी का दूसरा पार्ट है तीसरा पार्ट है उसमें क्या बताया था सेगमेंटल में कि आपस में जो है वो सेम है लगभग ठीक है रेप्लिका है एक दूसरे के जो है मतलब डुप्लीकेट से कार्बन कॉपी से लेकिन यहाँ पर क्या बताते हैं कि इनमें जो है पार्ट्स डिफरेंट है पार्ट्स में डिफ्रेंसीशन है लेकिन कॉम्प्लेक्स है लेकिन उनमें जो होती हैं सोसाइटीज जो होती है लेकिन उसमें जो है रिलेशनशिप होता है उनका ऑर्गेनिक टाइप रिलेशनशिप ये किसने बताया है डर ने ठीक है ना यानी फ्रेंट लोग डिफरेंट काम करते हैं स्पेशलाइजेशन होती है यानी ये जो फॉर एग्जांपल है ये डॉक्टर्स है इंजीनियर्स है ये ये है ठीक है एक फैमिली दूसरी फैमिली तीसरी डिफरेंट है लेकिन इनके बीच में जो ऑर्गेनिक टाइप रिलेशनशिप होता है ठीक है और अगर हम लोग देखेंगे ओपन और क्लोज भी है ये भी एक क्लासिफिकेशन है सोसाइटीज की ठीक है ओपन सोसाइटी जो होती है ओपन सोसाइटी मतलब इसमें क्या होता है इसमें चेंजेस हो सकती है यानी अगर हम लोग देखेंगे इसके इंस्टीट्यूशन में चाहे वो किनशिप में रिलेशन में ठीक है मतलब इस सोसाइटी में चेंज होती है ठीक है इंस्टीट्यूशन में ठीक है यानी मतलब डिस्कशन अगर हो जाएगा या मतलब चेंज वगैरह आती है ये एडमिट करता है चेंज ठीक है लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इसमें कुछ चेंज नहीं हो ये फ्लेक्सिबल सोसाइटीज होती है इनमें चेंज हो सकती तो है मतलब बहुत ही खतरनाक रिजिड टाइप ऑफ सोसाइटी है ठीक है बहुत ही मतलब खतरनाक रूल्स होते हैं इसमें ठीक है इस ये हो गया ये दूसरा अगर हम लोग देखेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज है सिंपल अगर हम लोग देखेंगे स्पेंसर ने बताया है ठीक है तो सिंपल सोसाइटीज और कॉम्प्लेक्स सिंपल अगर हम लोग देखेंगे जनरली फार एग्जाम्पल एग्जाम्पलोगे एग्रीकल्चर सोसाइटी सिंपल लोग जो थे सिंपल थे आपस में रहते थे एक साथ मिलजुल कर रहते थे काम भी सेम होता था ठीक है ना मतलब बिलीफ होता था मतलब ज्यादा रिलीजियस होते थे वो ये सिंपल सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग देखेंगे आजकल की इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो होती है मतलब टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक सोसाइटी जो होती है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ठीक है तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे दूसरा हो गया ये तो इनका था ठीक है नेक्स्ट इज प्रमिटो ठीक है परमिटो पुराने जमाने की सोसाइटीज़ मॉडर्न सोसाइटीज़ ये भी हम लोग देख सकते हैं या लिटरेट नॉन लिटरेट यानी पढ़े लिखे आजकल के नॉन लिटरेट पुराने जमाने परमिटो पुराना मॉडर्न नया सिंपल अगर हम देखें पुरानी सोसाइटीज़ अभी भी छोटी छोटी सिंपल सोसाइटीज विलेजेस में होती है। और अर्बन में अगर हम लोग देखेंगे अर्बन एरियाज में कॉम्प्लेक्स होती है उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यानी अगर हम लोग देखेंगे कि जो है सोशोलॉजिस्ट uh, जैसे फॉर एग्जाम्पल लुइस ऑल्थुजर ने उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया है सोशल फॉर्मेशन उन्होंने बोला है एक कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल किसने दिया है सोशल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट लुइस ऑल्थुजर ये आपको क्वेश्चन आ सकता है सोशल फॉर्मेशन में उसने क्या बताया है कि इसमें तीन लेवल्स यानी लोगों के बीच में जो रिलेशन होते हैं तीन लेवल्स पर होते हैं इकोनॉमिक पैसों के लिहाज से आइडियोलॉजिकल आइडियाज के हिसाब से और पॉलिटिक्स के हिसाब से पॉलिटिकल इकोनॉमिक ई आई पी ये आप याद रख सकते हैं ऑल्थुजर ने बोला ई आई पी इकोनॉमिक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल जो है तीन लेवल्स है रिलेशन लोग जो है आपस में मिले हो और ये जो तीनों आइडियाज है ये आपस में क्या है तीनों लेवल्स जो है आपस में इंटर कनेक्टेड है और इन्होंने क्या बताया है कि जो कल्चर है कल्चर की वजह से ही चेंज आ जाता है उसने डिसएग्री किया है मार्क्स कार्ल मार्क्स का जो थॉट है कार्ल मार्क्स भी, भी एक सोशोलॉजिस्ट हिस्टोरियन थे उन्होंने बताया था कि सोशल फॉर्मेशन के बारे में कि चेंज जो है बेस से ही होती है मतलब पहले से ही चेंज होनी चाहिए बेस होना चाहिए चेंज फिर चेंज होगी लेकिन इसने बोला है कि कल्चर से भी जो है चेंज हो सकती है ठीक है

ठीक है एल एच मॉर्गन इन्होंने भी बताया है तीन टाइप्स तो ऑफ सोसाइटी परमिटू जो है पुराने जमाने की सैवेजरी ठीक है उसके बाद बारबेरियन और सिविलाइजेशन परमिटू में क्या होता था हंटिंग गैदरिंग यानी लोग जो है वो क्या करते थे खाने पीने के लिए वो लोग हंट करते थे फॉरेस्टर्स में ठीक है जैसे अर्ली मैन के हम लोग देखेंगे वो हंट करते थे मतलब निशाना बनाते थे किसी जानवर को वहीं पर उसके बाद गैदर करते थे ठीक है और उसके बाद खाते थे उसके बाद हो गया फिर लोग जो है नोमैडिक सोसाइटी तो उसके बाद जो होता है लोग एक जगह एग्रीकल्चर जो हो गया जब एग्रीकल्चर का मतलब डिस्कवरी हो गई एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया उसके बाद उस सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी उसको हम लोग बारबेरियन उसके बाद राइटिंग वगैरह स्टार्ट तो सिविलाइजेशन जो है एडवांस होता है सेवेजरी फिर बारबेरियन फिर सिविलाइजेशन ये एल एच मॉर्गन ने दी है इतना ही नहीं है इसमें जी तो टाइप्स जो है सोसाइटी के न्यूमरस है बहुत सारे टाइप्स है जी ये जो अगर मैंने आपको बोला सिंपल कॉम्प्लेक्स ओपन क्लोज वो तो जनरली हम लोग बोलते हैं ठीक है थीके? और मैंने इसमें आपको स्पेंसर का भी बताया कुछ ठीक है लेकिन स्पेंसर जो है उन्होंने जो है अगर हम देखेंगे उन्होंने मिलिटेंट सोसाइटी भी बोला है इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी बोली है ठीक है तो उनकी भी है मिलिटेंट सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी ओके जी तो अगर अब हम लोग मैं आपको बताऊंगी कि इतनी ही क्लासीफिकेशन नहीं है सोसाइटी की और भी है क्लासिफिकेशन सोसाइटी की ठीक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से जो टाइप्स ऑफ सोसाइटी का जब मैं आपको कम्यूनिटी पढ़ाऊँगी ना उसमें पहले टेन मिनट्स जो हैं पहले कुछ टाइम जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी और भी टाइप्स ऑफ सोसाइटी ठीक है क्योंकि एग्ज़ाम में तो इतना ही नहीं आएगा ना एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता

जो हैं उनमें वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी इंडस्ट्रियल सोसाइटी सोसाइटी जो एग्रारियन पुरानी होती थी ठीक है जी आ, उसके बाद अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा पहले पढ़ाऊंगी वो ठीक है तो नेक्स्ट है थेरीज ऑफ सोसाइटी ठीक है थेरी जो है कुछ सोसाइटीज़ यानी अगर सोसाइटी आई है तो आई कहाँ से औरजिनेट कहाँ से हुई एवॉल्व कहाँ से होगी स्टार्ट कहाँ से होगी, होगी सोसाइटी ठीक है तो पहले अगर हम लोग देखेंगे डिवाइन थेरी है एक उसमें क्या है उसमें बताते हैं सिंपली इसका यही कॉन्सेप्ट है नेचर ने गॉड ने जो है सोसाइटी को बनाया इसमें कुछ नहीं है साइंटिफिक कुछ नहीं है चलो गॉड है उन्होंने सोसाइटी को बनाया उसमें क्या अगर हम देखेंगे किंग नुमाइंदा होता था किंग रिप्रेजेंटेटिव गॉड जो आप, कौन था को डिनोट करता उसका बादशाह होता था ठीक है उनके ही राइट्स होते थे डिवाइन राइट जो वो बादशाह जो बोलता था ना उसका जो वर्ड होता था द वर्ड ऑफ द किंग वॉज द वर्ड ऑफ द गॉड ठीक है तो ये डिवाइन अगर हम लोग बोलेंगे डिवाइन यानी गॉड नेचर से रिलेटेड है गॉड ने बनाई है जी सोसाइट

सोसाइटी का मेंबर बनाता था वो एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम रख सकते हैं याल फोर्स थे लेकिन उन्होंने दी है एडवर्ड जंग्स ने उन्होंने बोला है फोर्स की वजह से जो है सोसाइटी बन गई ठीक है नेक्स्ट इज सोशल कंट्रैक्ट थे ये कि उन्होंने हॉब्स लॉक एंड रूसियो ठीक है ये या आप याद रखेंगे एच एल आर ठीक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे एच एल आर आर से याद रखेंगे रोसियो ठीक है एच एल आर तो इन्होंने क्या बताया था इन्होंने बोला था पहले जो है लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था ठीक है कॉन्फ्लिक्ट की वजह जो मैंने आपको बोला फोर्सफुल ठीक है उसमें लोगों के बीच में बहुत ही टेंशन होता था कॉन्फ्लिक्ट होता था लड़ाई झगड़ा तो वहाँ पर जो है सोसाइटी लेकिन सेम होती है लेकिन उसके बाद जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में जो है लोगों ने रिलेशन बनाए कॉन्ट्रैक्ट हो गया लोगों के बीच में नहीं जी हम लोग अच्छे से साथ में रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोशली जो है लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया अ काइंड ऑफ ठीक है माहिदा हो गया और सोसाइटी एक बन गई तो ये हॉब्स लॉकरोसी ने कॉन्सेप्ट दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी ओके उसके बाद जो है मॉर्गर और जंक्स ठीक है एलिश मॉर्गन जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मॉर्गन ने जो है वो सेवेज रिबारबेरियन सिविलाइजेशन सिविलाइज सोसाइटी जो दी है तो वे इसी तरीके से मॉर्गर और जंक्स जंक्स जो है उन्होंने मेट्रियारिकल थेरी दी है ठीक है आप याद रखेंगे एम से एम ठीक है मेट्रियर्कल मॉर्गन ने दी है ठीक है और उसके बाद जो दूसरी पेट्रियर्कल यानी ये भी एक डिवीजन है पेट्रियर्कल सोसाइटी और मेट्रियर्कल सोसाइटी ठीक है पेट्रियर्कल जो होता है वो हैनरी मैने ने दी है ठीक है मैंने दी है मैने मैने हेनरी मै आप याद रख Main, main, main है ये, तो मैंने आप रख सकते हैं मैंने फॉर एग्जांपल मैंने थेरी दी है, और होती थी आगे और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी हेड ऑफ द फैमिली फादर उसी का सब कुछ चलता था मदर का कुछ नहीं चलता था वो अगर कुछ बोलती थी उस पर कुछ ध्यान नहीं होता था एवरी डिसीजन वॉज टेकन बाय द फादर ऑफ़ द फैमिली उसी की अथॉरिटी उसी पावर सब कुछ जो है मेल डोमिनेटेड होती थी मेट्रिय सोसाइटी जो है अगर हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता था फीमेल की डोमिनेंस होती थी यानी जो है फॉर एग्जाम्पल इसमें ज्यादातर क्या होता था कि जो है ये आ, क्या होता था इसमें जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आ, इसमें किनशिप में ठीक है कि मतलब मेटारकल क्या होता था कि मतलब उसमें जो होता है फ़ीमेल के घर मतलब जब शादी होती थी तो जब लड़का है वो बीवी के घर चला जाता था ठीक है घर जमाई बनकर तो उसके बाद जो होता है इसीलिए जो रोल घर किसका होता था फ़ीमेल का ही घर होता था ना इसीलिए उसी की डोमिनेंस होती थी उसी का पावर होता था उसके बाद उसकी जब बेटी की शादी होती थी इसी तरीके से उसका फिर जो जमाई होता था वो भी उसके घर आ जाता था ठीक है तो हो गया फिर से घर जमाई तो फिर से उसकी बेटी इसी तरीके से लीनेज आगे आगे चलती थी पैसे भी अथॉरिटी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ फ़ीमेल ही होती

एक ही ऑक्यूपेशन uh, से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सोसाइटी ठीक है सारे जो है एक ही काम करते थे मतलब जो है एग्रीकल्चर में ही खेती बाड़ी वगैरह बहुत ही सिंपल थे लोगों में जो है आइडिया सेम थे उन लोगों के वो लोग कल्चर भी उन लोगों का मतलब वो फॉलो करते थे कल्चर को सेम सिंपल थी सोसाइटी जैसे फॉर एग्जाम्पल और आजकल जो है उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स हो गए यानी पहले सिंपल थी फिर कॉम्प्लेक्स से यानी सोसाइटी इवॉल्व हो गई खुद इवॉल्व चेंज आ गई सोसाइटी में तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बोले और मैंने आपको क्या बताया था हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है उन्होंने बोला था टाइप्स ऑफ सोसाइटी सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज ठीक है एवोल्यूशन हो गई सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में यहां पर देखिए आप मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये स्पेंसर की सिंपल और कॉम्प्लेक्स थे ठीक है सोसाइटी ओके जो ये थी थेरीज ऑफ सोसाइटी तो इसमें आप जो भी रहता है यानी टाइप्स ऑफ सोसाइटी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी जब मैं कम्युनिटी पे बोलूंगी पहले मैं थोड़ा सा सोसाइटी का कवर करूंगी ठीक है और इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी वो 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 जे के एस एग्जाम फीमेल सुपरवाइजर में अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन ठीक है ना आप देखेंगे ये जो इसमें पांच टॉपिक्स है ठीक है ये जो पहले चैप्टर में इसमें दस मार्क्स है तो अगर हम लोग मान के चलेंगे अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो दो दो मार्क्स एक एक सब, एक एक टॉपिक के ठीक है तो फैमिली मैरिज एंड सॉरी दिस सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन का जो है दो मार्क है आपका इसमें कुछ भी आ सकता है कोई भी डेफिनेशन आ सकती है आपको फैमिली की या फैमिली किस वर्ड से निकला है फैमिली की किसी भी थेरी के बारे में पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल मेट्रियाकल थेरी किसने जी मैंने आप बोला मॉर्गन जंगस ठीक है इस तरीके से पेट्रियालकर थेरी किसने दी ठीक है हैनरी मैने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी के कौन है सपोर्टर्स ठीक फोर्स थेरी किसने दी थी ठीक है डिवाइन थेरी फॉर एक्जाम्पल जो है इसका मैकाइवर है ठीक है जी आप याद रखेंगे तो जो है ये भी हम याद रख सकते हैं ओके तो ये जो है इसमें फिर हम लोग एम सी क्यूज भी करेंगे आगे जाकर तो फिलहाल जो है ये कम्प्लीट हो गया ऑलमोस्ट तो इसमें कुछ अब रह जाता है टाइप्स ऑफ सोसाइटी ट्राइबल एग्रारियन पोस्ट इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर के पहले पार्ट में मैं कवर करवा दूंगी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो जे के लेटेस्ट इन्फो ऑन इंस्टाग्राम ठीक है जी इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करेंगे यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर uh, करेंगे इस वीडियो को और साथ ही साथ जो है आप इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी जी के लेटेस्ट इन्फो को फॉलो करेंगे एंड आई होप आई यू अंडरस्टंड वट आई ट्राई टू टीच टूडे सो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच